सेंटा क्रूज में था विदु सर का ही ऑफिस है। आपको कैमरे में देखना इनका कैमरा। अच्छा, मैं कैमरे में देख के सोनील, सबसे पहले हमें बताइए संजू के साथ क्या आपकी बॉन्डिंग है, क्या किस तरह खास है आपके लिए संजू? संजू बहुत तरीक़ों से खास है। एक तो राजू सर के साथ तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप है सिंस पीके, तो मैं पीके में जैसा आप जानते हैं कि मैं उसमें शिव जी का पार्ट किया था मैंने, एंड फिर उनके बेटे हैं उनकी शॉर्ट फिल्म का भी मैं हिस्सा रहा। एंड तो ये था कि उस समय से उनके साथ रिलेशनशिप इतने अच्छे थे कि वो हर फिल्म में कुछ ना कुछ रहता ही है। तो सर ने प्रॉमिस किया हुआ था कि इस फिल्म में भी हम डेफिनेटली कुछ अच्छा करेंगे, एंड उन्होंने इस फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया। सो रियली थैंकफुल टू हिम। सो एक्साइटमेंट के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ एक्साइटेड है आप संजू को लेकर, अपने काम को लेकर, क्योंकि आपने राजू सर के साथ पीके भी करी है, तो कितनी एक्साइटमेंट बढ़ी है आपकी? एक्साइटमेंट उनके साथ काम करने का मज़ा हमेशा आता है, बिकॉज एक एज एन एक्टर एक आपको फ्रीडम रहती है अपने इनपुट्स देने की, एंड एक बहुत ही अच्छा गिव एंड टेक वाला एनवायरनमेंट रहता है जो किसी भी एक्टर को अच्छा लगेगा काम करने के लिए। सो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर इन द इंडस्ट्री, जो जिनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। एक्साइटमेंट डेफिनेटली है, बिकॉज संजय दत्त जो अभी भी लिविंग सुपरस्टार हैं, उनकी लाइफ के ऊपर स्टोरी बन रही है और बहुत सारे पहलू जो हैं इनकी ज़िंदगी के जो लोगों को नहीं पता है। तो एज एन एक्टर भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि उनके साथ शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो हम जो भी कुछ जानते हैं बहुत ऊपरी सतही तरह पे जानते हैं, और इंटरनल उनकी लाइफ में और क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, जबकि वो इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उनके फादर भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो उसके बावजूद भी किस डिफ़िकल्टीज से वो निकले हैं और फिर भी एक स्टार की तरह ऊपर आए। हर बार जब भी वो जितना नीचे गए उतना ऊपर उठे, तो बहुत मैं एक्साइटेड हूँ कि जो उनकी जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग होगी और हम जैसे एक्टर और बहुत भी जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको इंस्पायर करेगी। सो किस तरह जुड़े इस फिल्म से, उसके बारे में बताया, अपने कैरेक्टर के बारे में जरा बताया। मैं इस फिल्म में सिर्फ इस सॉन्ग में ही हूँ जो कि बढ़िया बढ़िया सबसे पहला सॉन्ग जो रिलीज़ हुआ था, और अगर आप सॉन्ग देखेंगे तो इनिशियली ये इस्टेब्लिश कर दिया गया है, काफ़ी आर्टिकल्स भी इस पर आए हैं कि जब संजय जब इनिशियल स्टेज पे थे अपने करियर के, तो उनके फादर ने उन्हें कहा था कि तुम्हें लिपसिंग सीखनी पड़ेगी, तो यहीं से सॉन्ग शुरू होता है जब संजू जो कि रणबीर कपूर जो प्ले कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैं फादर को रॉन्ग प्रूव करूँगा एंड वॉच मी कि मैं कितनी अच्छी लिपसिंग करता हूँ। तो हम लोग बेसिकली मैं और मेरे को एक्ट्रेस हैं जो कि हम लोग एक बार में गाना गा रहे हैं एंड वो हमें आके ज्वाइन करते हैं और साथ में लिपसिंग करना शुरू करते हैं। तो दिस इज़ द होल सॉन्ग ऑल अबाउट। इन योर पर्सनल लाइफ ऑन सेट रणबीर से कैसी बॉन्डिंग रही आपकी, किस तरह की कोलैबोरेशन आपकी होती थी? उनसे न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी की बात और फिल्म स्कूल की बात है, एक्टिंग को लेकर काफ़ी डिस्कशंस हुए, एंड ही इज़ वेरी कोलैबोरेटिव एक्टर। मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही एक अच्छी स्पेस में है जो कि दूसरे एक्टर को भी काफ़ी स्पेस देते हैं अपना काम करने के लिए, एंड बहुत डेडिकेटेड है, एंड बाकी तो आप जानते हैं। सो आप संजू का हिस्सा हैं, अगर संजू की लाइफ से कुछ कुछ आपको अपने साथ हमेशा के लिए रखना पड़े तो किन बातों को आप अपने पास हमेशा रखेंगे? आई थिंक जब भी राजू सर के साथ काम किया है तो उनकी ह्यूमिलिटी है एज ए पर्सन, वो जिस तरह के इंसान हैं, और हमेशा जब भी मैं अपना टेम्पर लूज करता हूँ या मुझे गुस्सा आता है तो मैं डेफिनेटली जिस तरीके से वो आसपास के लोगों को हैंडल करते हैं, जिस तरह से वो अपने एक्टर्स को हैंडल करते हैं, और जिस तरह से हमेशा वो मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं, और बहुत छोटी छोटी सी उनकी चीज़ें हैं जो एज ए पर्सन मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं कि आप कितना भी आगे चले जाएं, तो ये सारी चीज़ों का डेफिनेटली आप ध्यान रखें कि एंड ऑफ द डे आप इंसान कैसे हैं। आर्टिस्ट तो है, हज़ार आर्टिस्ट हैं, लाखों आर्टिस्ट हैं, बट आप जितने अच्छे इंसान बनते जाएंगे आपके आर्ट फॉर्म में वो दिखाई देने लगेगा। सो आप किस तरह के जॉनर में आप काम करना पसंद करते हैं, किस तरह का वो एक्ट, किस तरह का एक्ट या किस तरह की एक्टिंग पसंद करते हैं आप करना? मैं एक्टिंग करना पसंद करता हूँ, और किस तरह का जॉनर मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे कॉमेडी करने में भी मज़ा आता है और सीरियस कैरेक्टर्स प्ले करने में भी उतना ही मज़ा आता है। और मैंने कभी किसी भी किरदार जो भी मैंने कैरेक्टर्स प्ले किया, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई रोल छोटा है या बड़ा है, मैंने हर कैरेक्टर को
अपने आप में एज ए लीडिंग एक्टर ही देखा है, क्योंकि अगर मुझे एक सीन मिला है तो उस फिल्म उस पर्टिकुलर सीन का मेन किरदार मैं ही हूँ। तो ये सोच के कि यार कभी मैंने एज ए कैमियो नहीं ली, डेफिनेटली मेरा जो प्लान है आगे वो यही है कि मुझे वन ऑफ द लीडिंग किरदार्स में ऊपर आना है। और डेफिनेटली आई एम रेडी, आई कैन से कि मैं अभी बिल्कुल तैयार हूँ कि मैं एक लीडिंग कैरेक्टर के रूप में, लीडिंग एक्टर के रूप में आ सकूँ। जैसे कि आप टॉप के डायरेक्टर के साथ तो काम कर ही रहे हैं, जी, तो अगर एक्ट्रेस की बात करें, अपोजिट में किसे देखते हैं आप? ऑपोजिट मैंने ऑलमोस्ट जितने भी ए लिस्टर्स एक्टर्स हैं सबके साथ, फॉर्चुनेटली मैंने सबके साथ काम किया। शाहरुख सर के साथ, अक्षय सर, एंड देन सलमान सर के प्रोडक्शन में किया, देन रणबीर कपूर और अर्जुन कपूर, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबके साथ काम करने का मौका मिला। सो संजू की बात हो रही है तो आप संजू के साथ नजर भी आने वाले हैं नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, उसके बारे में जरा बताइए क्या है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरा रिसेंटली एक बॉलीवुड हंगामा में एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है डैमेज्ड, तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है जो कि कम्प्लीटली ऑपोजिट है जो संजू में मैंने प्ले किया, या फिर जो प्रीवियसली फिल्म्स में कॉमेडी कैरेक्टर्स किए हैं उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट है, और वो साइको कैरेक्टर है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप ये देखिए और बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा आपको देखने में। सेकेंड है सेक्रेड गेम्स, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ है। हाँ, उनका नाम मैं लेना भूल गया था कि उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, एंड अपने आप में वो इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग की, जो उनकी टेक्निक है वो कमाल की है। सो ऑन सेट जब आप इस तरह एक्टर्स के साथ रहते हैं, क्या कुछ अचीव कर, क्या कुछ सीखते हैं उनसे, क्या कुछ उसके बारे में कुछ मेमोरीज हो आपकी जो आप बताना चाहें हमें, जो कुछ आपने अभी तक। जिस तरीके से आप सीन को अप्रोच करते हैं, डेफिनेटली जब दो एक्टर्स किसी पर्टिकुलर सीन पे आप डिस्कशन कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें लॉजिकली आप डिस्कस करते हैं कि मेरा किरदार जो है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ अभी क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके बाद कहाँ जाने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में होती हैं, और एक अच्छा एक्टर वही है जो इन सारे जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझे, और एट द सेम टाइम अपने बाकी एक्टर्स को भी स्पेस दे। और तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक एक्टर को बहुत ही एक अच्छे लेवल पे रखती है, ग्राउंडेड रखती है, एट द सेम टाइम अपने किरदार को और बाकी एक्टर्स को एक अच्छे स्पेस पे रखने का मौका देती है। सो अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहते हैं लास्टली, क्या कुछ विल विशेस? फैंस को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह से जो प्यार अभी तक आप देते आए हैं और फिल्में देखते रहिए, वो प्यार देते रहिए, और जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि इसको और दुगना और चौगुना कर दूँ, और आने वाले जितनी भी फिल्में हैं आपको एंटरटेन करता रहूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, क्या बोल रहा था? तो ये सब कंटेंट्स भी सप्लाई करते हैं, मतलब कंटेंट भी हर वेबसाइट को एंड जो न्यूज़पेपर्स है उनको भी दिया जाता है आईएनएस की तरफ से प्लस, तो ऑनलाइन पोर्टल पे भी आपको बहुत मिल रहे हैं, तो लिंक्स मिल जाएंगे आपको। अरे रितेश से चीज़ें रितेश से मिल जाएंगे, नहीं तो मुझसे भी ले लीजिएगा आप इनके जब ये लोग अपलोड करें। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा लिंक जितना भी है। ओके, श्योर, आपको व्हाट्सएप चला। अच्छा, चलिए अब मिलना होगा। ठीक है।